रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, रेडियो हिंदुस्तान से मैं आरजे उमा प्रभाकरण बोल रही हूँ। आज का विषय है नासा का अपोलो 11 केवल 4 दिनों में चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया। चंद्रयान को 1 महीने से भी अधिक समय लग रहा है, ऐसा क्यों? अपोलो 11 सहित अमेरिका के अपोलो मिशनों ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए सीधे प्रक्षेप वक्र अर्थात ट्रैजेक्टरी का उपयोग किया, जिसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन के रूप में जाना जाता है। शक्तिशाली सैटर्न वी प्रक्षेपण यान ने अपोलो अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया, जिसके बाद एक एकल इंजन जला जिसने इसे सीधे चंद्रमा की ओर भेजा, जिसे कुछ दिनों के भीतर एक तेज यात्रा संभव हो गई। इसकी तुलना में चंद्रयान 3 चंद्रमा तक पहुंचने के लिए एक अलग प्रक्षेप पथ का अनुसरण करेगा। मिशन में अंतरिक्ष यान की गति को धीरे धीरे बढ़ाने और इसे चंद्र प्रविष्ट के लिए स्थिति में लाने के लिए पृथ्वी की कक्षाओं अर्थात ऑर्बिट्स का प्रयोग किया जाता है और इसे जलाया भी जाता है। यह दृष्टिकोण अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली लॉन्च वाइन GASLV मार्क 3 के उपयोग से समायोजित करता है, जिसमें सैटर्न वी की तुलना में कम पेलोड क्षमता होती है। नतीजा यह होता है कि मिशन को अनुकूलित करने के लिए एक अधिक क्रमिक ट्रैजेक्टरी चुना गया था। हर बार जब अंतरिक्ष यान उपभोग के करीब पहुंचता है तो उसकी गति बढ़ाने के लिए इंजन चालू कर दिए जाएंगे। प्रत्येक कक्षा में अर्थात ऑर्बिट्स में इन फायरिंग की श्रृंखला मॉड्यूल को उच्च और अधिक लंबी कक्षाओं में धकेल देगी। प्रत्येक जलने के साथ मॉड्यूल गति और ऊर्जा प्राप्त करते हुए बाहर की ओर बढ़ता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पकड़ से धीरे धीरे पलायन, जैसे जैसे यात्री जारी रहती है, मॉड्यूल अंततः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए आवश्यक पलायन वेग तक पहुंच जाता है। इस स्तर पर मॉड्यूल की कक्षा लंबी हो जाती है, जो चंद्रमा की ओर अपना मार्ग निर्धारित करती है। चंद्रयान 3 मॉड्यूल के स्थानांतरण LTT में प्रवेश के समय को चंद्रमा की अपनी ऑर्बिट में स्थिति के साथ संरेखित करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई है, जिससे वांछित समय पर चंद्रमा के प्रक्षेप पथ के करीब निकटतम सुनिश्चित हो सके। चंद्र कक्षा में प्रवेश और सतह पर लैंडिंग एक बार जब मॉड्यूल LTT में इच्छित बिंदु पर पहुंच जाता है तो अंतरिक्ष यान की गति को कम करने के लिए चंद्र कक्षा सम्मिलित नामक एक सटीक पैंतरेबाजी को अंजाम दिया जाएगा, जिससे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इस स्थिर चंद्र कक्षा में खींचने की अनुमति देगा। यह सफल चंद्र सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करता है। मिशन की प्रगति चंद्र सम्मेलन के बाद मॉड्यूल एक अंडाकार पथ में चंद्रमा की ओर परिक्रमा करता है, फिर मॉड्यूल की ऊंचाई को धीरे धीरे कम करने के लिए युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला को नियोजित किया जाता है, जिससे इसे चंद्र सतह के से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर एक गोलाकार कक्षा में स्थापित किया जाता है। इसके बाद प्राणोदन मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए लैंडर से अलग हो जाएगा। यदि सब कुछ योजनाबद्ध हुआ, अगर योजना के अनुसार हुआ, तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग पूरा करने वाला पहला मिशन बनकर एक अग्रणी उपलब्धि हासिल करेगा। अब अनुमति दीजिए, उमा प्रभाकरण को फिर मिलूंगी इसी तरह की नई नई ताजी खबरों के साथ। तब तक लेते रहें प्रभु का नाम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। जाते जाते इतना अवश्य कहूंगी दोस्तों, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं और पेड़ लगाना भी सिखाएं। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।